नाना सांत्रा नेपाल साइड है, मतलब जैसे बाट धराई बाट है। हां हां क्लोज ना पार बाट के पार ओ पार बाट है। हां बाट मतलब 2 दिन पार है ना, केव जा पाई ना केव जा पाई हां निकल तो गए घरे आते आ लगा भाई ला ओली में मुड़ तो हर बार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आर्यन गुड़िया ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि चार दिन से बहुत ज़्यादा गोरखपुरिया भौजी के वीडियो वायरल हो रहे थे कि उनके पति अभी उनको छोड़ के कहीं चले गए हुए हैं, लापता हो गए हैं, गायब हो गए हैं, पुलिस केस भी हो गया, बहुत सारी छानबीन हुई लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। लेकिन आज पब्लिक के बीच एक खुशी की लहर दौड़ आई है क्योंकि उनके पति मिल गए हैं वापस, अभी उनको लेने गई हैं गोरखपुरिया भौजी जी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो बस पैदल चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। शायद कुछ हो गया हो, अभी अब वो तो मिलने पे जब उन खुद बताएंगे तभी कुछ पता लगेगा। गोरखपुरिया भौजी ने ऐसा बताया और नेपाल के बॉर्डर के उस पार मिले हैं तो अभी उनको सारे लोग लेने गए हुए हैं। इसी खुशी में विष्णु भाई मालती चौहान ने बहुत बड़ा केक काटा है और खुशी वाली बात है दोस्तों, अगर किसी का सुहाग बच जाए, किसी का घर अगर उजड़ने से बच जाए तो सबसे खुशी की बात है, क्योंकि उनके फैमिली में उनकी 3 बेटियां हैं और वो बेटियां बहुत ज़्यादा परेशान थी जब से उनके महादेव जी चले गए थे, गोरखपुरिया भौजी के पति चले गए थे, तब सब उनके बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, रो रहे थे, बिलख रहे थे और फाइनली आज मिल गए, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आर्यन गुड़िया ब्लॉग्स के माध्यम से मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जो परिवार के झगड़े होते हैं प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचें। जो झगड़े होते भी हैं तो बस 2 मिनट के होते हैं, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।